क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ तेरा घर है? मेरा परिचय जान लिया परंतु तू अपना परिचय मुझे नहीं बताया। क्या तुम्हारी माँ का नाम है और क्या तुम्हारा नाम है? मुझे इतना ही कहकर सुना दो। हे मामा जी, मामा जी, कौन सा रिश्ता से मैं तुझे मामा लगता हूँ? मेरा घर उजनीपुर शहर पड़ता है। क्या पिताजी के नाम बिहारी मल पासवान कहलाता है? अच्छा, मेरा ही नाम चूहर मल पासवान पड़ता है। और तुम्हारे माँ का नाम? रानी मंदोत्री। क्या मेरी बहन का पुत्र इस ललन बगीचा में? हाँ मामा। हे मामा, चूहर मल एक बात बताए मामा। क्या क्या कहना चाहता है बोलो। पहले इतना बात बता देते तो मैं आपको साथ ऐसा सलूक नहीं करता मामा। चूहर, अगर तुम पहले से भी अपना तो मुझे परिचय बता देता तो बंदी बनाने से क्या फायदा? मैं तेरे साथ तेरे दरबार तक चला जाता। मगर मामा, महाराज कुलेश्वर को नमक खाता हूँ। अच्छा, नमक का सरिय देने के लिए चूहर तैयार है। चूहर बन तो बंदी बनाएगा ना? हाँ, सबसे पहले तू मुझे बंदी बना ले। तेरे रस्सी से मैं कैद नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास है। अगर मैं इस वक्त उनका मैं उल्लंघन करता हूँ तो मृत भुवन में उसे कोई भगवान नहीं मानेगा। कोई मृत भुवन का प्राणी उसे भगवान कदापि नहीं मानेगा। लेकिन मैं भी मृत भुवन का ही हूँ। चलो चला जाए। क्या बात है बिजलिया? देखिए, नौकरी का अंदर में कोई परिचय कोई रिश्ता नहीं। ये तो बात सही है, किसी से कोई जात पहचान नहीं होता, ना दरमाहा देगा ना मेरा मालिक है ना कुछ है। ये तो बात सही है। बहुत ऐसा है जान बचाने के लिए कहता हम रिश्तेदार है, कोई नहीं है। चलिए, ये चोर है, इसको ले चलेगा रात दरबार। बिजलिया, मैं चोर के बांधने में बहुत परेशान हो चुका हूँ, देख रहे हो मुझे पसीना से हालत खराब है। हाँ, देखिए
थोड़ा दूर लेके चलो, हमरा कहीं घाम चल लगते कब? जब मैन गेट पे जाओगे हाँ, ये मुझे छोड़ दे देना, बेमानी तो नहीं करोगे ना? हम एक नंबर शरीफा, शरीफा नहीं शरीफ बोलो। हाँ लाइए, जब गेट पे जाऊंगा हाँ, तो चोर मांगूंगा तो प्यार से दे देना आपको हाथ पे। हाँ, और महाराज कहना है चूहर पकड़ा है। बैठ गए, तब कौन फायदा हमारा यो? कामुर ढोने जेब यानी जल ढाल लेते दोसर गोदी ओकरा फायदा होते हमारा होते। पोस्ट बढ़े के जगह पर कैसे हमको दे देना? चलो तारा हम ले जाए। ठीक है लेके चलो। अब तो चोर लाओ, इतना दूर आदमियों के लिए इतना दूर जाएगा हमारा कौन दिक्कत? नहीं नहीं, अरे मैंने पकड़ा हूँ ना, आखन पकड़ना हमें, ये तो पैमानी है। पैमानी करना है? नहीं बिजलिया, रंग महाराज का हाथ के दे दी थी तू ले लिया, पकड़ लिया। अरे चोर मैंने पकड़ा हूँ, पकड़ के नन्हे हम नहीं लिए, अखन ककड़ा हाथ में पकड़े थे। भाई साहब कौन चोर पकड़ा है? महाराज भाई साहब की जन गला महाराज, क्या बात है रे? प्रणाम महाराज, चोर पकड़ करके लाया हूँ। नहीं महाराज, ये देखिए ना, मैंने पकड़ के लाया हूँ महाराज। किसको हाथ में देखिए? रे बेहुदा, तुम कहता है हम पकड़ा है, ये कहता है हम पकड़ा, बात क्या है महाराज? विश्वास करूंगा, जब मैं चोर के पकड़ते पकड़ते मैंने थक चुका था, मैंने आधा रास्ता में आया तो मैं सोचा थोड़ा बिजली ले चलेगा, अब ये बेमानी कर रहा है हमसे। अच्छा हुजूर, आपको नजर का सामना कैसा बुझा रहा? मेरा नजर में तो ये लगता है कि तुम बिजली सिंह सिपाही हो, ये सुरमा चोरमल है, लेकिन तुम पकड़ने लायक तो नहीं हो। ये योद्धा कहलाता है, कोई मैं का लाल फायदा नहीं लिया है, ये सुरमा चोरमल से हाथ मिलाएगा। महाराज पकड़ा कागज छे हमरा तो हम दुआई छी। महाराज ये फैसला अब चोर करेगा। ठीक है, चोर से पूछिए महाराज, बताओ कि तुम्हें कौन पकड़ा है? महाराज मुझे महाराज क्या अमर नाव का भी अनेक कह दे कभी बिजली सिपाही पकड़ा है अनेक तो सत्या देवो अब मैं इस वक्त तो क्या करूँ? अरे महाराज बताओ मुझे ये ऐसे ऐसे क्या कर रहा है महाराज? पता नहीं है कौन क्या बता रहा है। अरे बेहुदा तुम इंग्लिश पढ़ता है? नहीं ना, हम कहते हैं हमको या उनको, तुमको जो बोलना है बोलिए ना, हमको नाम कहना है मैं तो गुल्लू मार जाना। सच सच बता दो
महाराज बताओ कौन ठकराया था? बोलने दो ना बोलने दो ना तू तो कदर को देख के ना महाराज इसको इधर करो कन्या इधर आओ तुम तुम्हारी इधर आओ ना वो उधर ही रहो जाओ उधर तू तुम सिर्फ जाएगा हम जाएगा छोड़ के चोर को पकड़ के लाया है छोड़े ले मैंने पकड़ के लाया हूँ हमने लाया है शादी वाला बात करें बिजली मैं तुम्हें कितना मानता हूँ तो की मान भी जाए कि दुसाद भसाद तो माने वाला जाए चलो तो चोर ही से पूछा जाए जो कौन पकड़ा है हमारे नाव का भी कई दिन से देख लाई मुंह फोड़ लाठी कई लाठी तीन चार को कपार फोड़ दो बताओ कौन पकड़ा है तुम्हें सब सब बताओ महाराज दादा कहता मुझे टकरा है पागल हो गया है रे समझ नहीं आई क्या कर रहा है महाराज बिजली बिजली बच्चा कहीं को उसको बोलने दो ना कौन पकड़ा है तेरा बिजली महाराज मुझे पकड़ कर बिजली एहरम ज़्यादा बोलने देगा कि नहीं देगा तेरा बोले तो मना करते हैं तब बिजली नहीं कॉल जाता है अच्छा ठीक है हम कह देते हैं महाराज मुझे पकड़ कर सुरमा चूहर बन लाया है महाराज आपको यकीन हो गया जो चूहर पासवान ने पकड़ लाया है जो भक्त जो चल जो 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 है जो भक्त छोड़ दिया महाराज याद आपका हमारा क्या छोड़ हाँ महाराज ये खेल है तो मेरे राज का यह सूद है कि जो मेरे राज में गलती करता है सुबह होते ही उन्हें फांसी दिया जाता है तो बिजली सिंह सिपाही 6 बजने वाला है कुछ मिनट बाकी है इस चोर को फांसी के फंदा पे लटका दो जब मैं 1 2 3 बोलूंगा तो इसे फांसी खींच लेना है मैया मैया के
चोर बाल दोनों कान खोल कर सुन लो कि जब मैं एक दो तीन बोलूंगा तो तीन में फांसी खींच लेना। बिजलिया आज तुम्हारे मेरे पास चोर से अंतिम परीक्षा पूछ लो, कुछ ख्वाहिश भी है इसे के? क्या बात है, पैसे खिंचवाएगा कि क्या करेगा? मुझे मरने का बहुत शौक है। कहता है तो मरने का बड़ा शौक है। चलो चलो तैयार हो जाओ। दिन में 3 बजे एक दो तीसरे बार में से फांसी खींच दिया जाएगा। एक बार ठोंठ पर, एक बार डाढ़ पर, एक बार गोर पर। देखो मैं जब एक दो तीन बोलूंगा तो तीन में इसे फांसी खींचना है, दो में नहीं और एक में नहीं। कहीं खिंचाएगा, कहीं का खिंचा जाएगा, ऐसे खिंचा जाएगा। मैं बोलता हूँ टाइट हो जाओ। अरे दोनों टाइट हो जाओ, पूरा टाइट हो गया। दो और टाइट हो जाओ। चाहता हूँ मैं टाइट हो जाने के लिए बेहुदा ढीला हो जाता है। अब पानी आ गया है तीन को। पिताजी चंद्रा आप क्या कर रहे हैं? जो मेरे राज में गलती करता है उसे फांसी का फंदा दिया जाता है। ये दुश्मन तुम्हें भारी भारी बेइज्जती किया है तो मैं इसे फांसी को फंदा दे रहा था। क्या होगा तुम पिताजी? तीन तो बेकसूर है पिताजी। क्या ये गलती नहीं किया है? नहीं पिताजी। फिर क्या तुम्हारे साथ गलती क्या है पिताजी? आपकी जो नौकर है सुरमा चोर ने मेरे साथ ऐसा तो हो नहीं सकता है कि बारह वर्ष सुरमा चोर मेरे राज बकरियों में नौकरी कर रहा है। आज तक मैं उसे कभी गलती का नाम नहीं सुना था। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि सुरमा चोर मगा ऐसा तुम्हारे साथ कर सकता है।
क्योंकि वह पाए